तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे ये डेटा है हमारे पास। इस डेटा के अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारे टेक्नीशियन हैं अंकित जी, सिर्फ उनका डेटा यहां पर फिल्टर होकर आ जाए। तो ये सर्च बॉक्स हमने क्रिएट किया है, यहां पर हम टाइप करते हैं अंकित। तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर हमने टाइप किया है अंकित। अब इस सर्च बॉक्स के हिसाब से यहां पर हमको सिर्फ अंकित जी का डेटा ही शो हो रहा है। अब ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी है, अभी जैसे हम कई तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट, रिपेयरिंग, किसी आइटम की डिलीवरी हो गई, और भी कई तरह की सर्विसेज हैं। तो अभी हम चाहते हैं अंकित जी ने जो रिप्लेसमेंट वाली सर्विस प्रोवाइड करी, सिर्फ वही डेटा हमारे पास निकल कर आ जाए। तो एक फिल्टर हमने यहाँ पर लगा दिया कि हमें अंकित जी का डेटा यहाँ पर मिल जाए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं रिप्लेस। अब हम देखेंगे अंकित जी का जो रिप्लेस वाला डेटा है, सिर्फ वही डेटा हमको शो हो रहा है। तो इस तरीके के फिल्टर आप अपने लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा डेटा है उसके ऊपर हम टेबल फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। तो मैं कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। अगर हमारे डेटा के अंदर हेडर्स होंगे तो इस ऑप्शन के ऊपर हम टिक करेंगे, अगर हेडर्स नहीं होंगे तो इसको अनटिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। डेटा के ऊपर टेबल फॉर्मेट हमारा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आकर टेबल स्टाइल को हम क्लियर कर लेंगे। इसके बाद अब हम आ जाएंगे डेवलपर टैब के अंदर, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक्टिव एक्स कंट्रोल के अंदर हम फिफ्थ आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सर्च बॉक्स को आप जहाँ पर बनाना चाहते हैं वहां पर आकर इसको क्रिएट कर लेंगे। अब इसके अंदर आकर हम राइट क्लिक करेंगे, यहां पर हमको ऑप्शन शो होगा प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहां पर हमको ऑप्शन मिलेगा लिंक्ड सेल, यहां पर हम क्लिक करेंगे और कोई भी एक सेल को यहां पर हम लिंक कर देंगे। यहां पर मैं प्रेफर करूंगा कि जो इसके जस्ट नीचे वाला सेल है उसी सेल को हम यहाँ पर लिंक कर दें। तो इसके जस्ट जो नीचे सेल आ रहा है वो है F5। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे F5, यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। ऐसे ही हम अपना दूसरा बॉक्स क्रिएट करेंगे। और उसको सेल के साथ लिंक कर देंगे। यहाँ पर हम टेबल को कुछ भी नाम दे देते हैं। नाम हम जितना सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब इतना काम हो जाने के बाद हम इस वाले सर्च बॉक्स के ऊपर आएंगे। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, VBA वाली विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। अब एक कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, उस कोड को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब कोड को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे। जो नाम हमने अपनी टेबल को दिया था उस नाम को हम यहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी टेबल को नाम दिया था ABC, तो यहाँ पर हम इसको ABC कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। किस फील्ड के हिसाब से आप अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर बताएंगे। शीट के ऊपर स्विच करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी नेम वाली फील्ड है वो तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर हम 3 टाइप कर देंगे। इसके बाद लास्ट हम यहाँ पर आ जाएंगे, जो सेल हमने यहाँ पर लिंक किया था उसको हम यहाँ पर बता देंगे। यहाँ पर हमने इसको लिंक किया था F5 के साथ लिंक, तो यहाँ पर हम F5 कर देते हैं। यहाँ से इसको हम क्लोज करेंगे। अब जो भी हम फिल्टर करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे, डेटा हमारा फिल्टर होकर आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसको हम कॉपी कर लेंगे
अब टेबल का नेम हमारा सेम रहेगा। इसके बाद अब जो हमारी फेड वाला कॉलम है उसको हम अपने डेटा के हिसाब से चेक करेंगे और यहां पर बता देंगे। यहां पर आ जाएंगे, जो सेल हमने लिंक किया था उसको यहां पर हम चेंज कर देंगे। अब इसको यहां पर हम क्लोज कर देंगे तो ये दोनों सर्च बॉक्स हमारे रेडी हैं। यहां पर इनको हम सेलेक्ट करेंगे, इनको हम मर्ज कर लेंगे। यहां पर हम टाइप कर लेते हैं नेम, सेम ऐसे ही इनको हम सेलेक्ट करेंगे, इनको हम मर्ज कर लेंगे। यहां पर हम लिख लेते हैं सर्विस। तो ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हमने जाना कैसे हम फिल्टर बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जब आप इस फाइल को सेव करेंगे तो यहां पर सेव टाइप के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक।